संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान राज्यसभा में अलग अलग मुद्दों की गूंज सुनाई दी। इस दौरान कोरोना पर हंगामेदार चर्चा के अलावा किसान, बेरोजगारी, चीन की जासूसी, इन तमाम मुद्दों को भी उठाया गया। कोरोना काल में हो रही संसद की कार्यवाही के दौरान तीसरे दिन राज्यसभा में अलग अलग मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध देखने को मिला। सत्ता पक्ष विपक्ष कई मुद्दों को लेकर एक दूसरे के सामने दिखाई दिया, तो वहीं विपक्ष ने कई मुद्दे उठाकर सरकार को घेरा। कोरोना वायरस महामारी के बीच मानसून सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा में आयुर्वेदिक शिक्षण और अनुसंधान संस्थान बिल 2020 पास हुआ। वहीं सदन में आज कोरोना वायरस पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार से सवाल किया। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने लॉकडाउन को किस आधार पर लगाया गया, इसको लेकर सरकार से सवाल किया। आनंद शर्मा ने राज्यसभा में कहा, कल स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस निर्णय लॉकडाउन ने लगभग 14 से 29 लाख कोविड-19 मामलों और 37,000 से 78,000 मौतों को रोका। सदन को सूचित किया जाना चाहिए कि हम किस वैज्ञानिक आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे। इस दौरान कोरोना पर चर्चा के लिए कम समय दिए जाने पर सांसदों ने सदन में हंगामा किया। विपक्ष के कई सांसदों ने कोरोना महामारी को लेकर सरकार को घेरा। राज्यसभा में जीरो ओवर में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ी है और वहां 13 महीनों से कोई टूरिज्म एक्टिविटी भी नहीं है। राज्यसभा में उठाए गए एक अन्य मुद्दे में कांग्रेस नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार से भारतीय राजनेताओं, प्रमुख अधिकारियों पर चीनी जासूसी के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने की मांग की। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध किया कि वो संबंधित मंत्री को इस संबंध में जानकारी दें। इसके अलावा राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में सरकार ने इस दौरान सदन को बताया कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। साथ ही ये भी बताया कि पिछले 6 महीने में पाकिस्तान और चीन की तरफ से सीमा पर किसी प्रकार की घुसपैठ की घटना नहीं हुई। साथ ही ये भी बताया कि पिछले 6 महीने में पाकिस्तान और चीन की तरफ से सीमा पर कितनी बार घुसपैठ की घटना हुई। इसी के साथ सदन में जानकारी दी गई कि पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम स्वास्थ्य संबंधी वजहों से मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा की बैठकों में भाग नहीं लेंगे। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ सदस्यों के पत्र मिले हैं जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से मौजूदा सत्र की कार्रवाई में भाग लेने में असमर्थता जताते हुए सदन से इसकी अनुमति मांगी। जाहिर है कोरोना काल में हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान अलग अलग मुद्दों को लेकर राज्यसभा में जोरदार विरोध देखने को मिला है और विपक्ष अपनी बात रखने के लिए हर जोर आजमाइश करता दिख रहा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।